مكان مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو ابھی سترواں پارا सूरत हज के 8 रुकू की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया। इन आयात का तर्जमा है वल्लदीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह की राह में जिन्होंने हिजरत की, वल्लदीना हाजरू फी सबीलिल्लाह सुम्मा क़त्लू, फिर वो कत्ल कर दिए गए यानी शहीद कर दिए गए, और मातू या मर गए या इंतकाल कर गए, अपने तबई मौत इंतकाल इस दुनिया से अपनी तबई मौत से रुखसत हो गए, लैर ज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, तो अल्लाह ज़रूर ज़रूर उनको रिज़्क़ हसन बेहतरीन रिज़्क़ अता फ़रमाएँगे, वइन्नल्लाहा लहु खैरुर राज़िक़ीन, और यकीनन अल्लाह ताला सबसे बेहतर रिज़्क़ अता फ़रमाने वाला है। लयुदख़िलन्नहुम, यकीनन अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर उनको लयुदख़िलन्नहुम मुत्तकलन ऐसे मस्कन में ऐसी जगह दाखिल फरमाएगा, यर्जा न हो जिससे राज़ी हो जाएंगे, जिससे खुश हो जाएंगे। व इन अल्लाह अलीम हलीम, बेशक अल्लाह ताला इल्म रखने वाला है, और जल्द अल्लाह ताला इंतखाब लेने वाला और सज़ा देने वाला नहीं, यानी हिल्म वाला है। इन अल्लाह अलीम हलीम, गरचे के यहाँ उमूमन इंसानों के लिए हलीम के माने बुर्दबार, गुस्से को पी जाने वाला वगैरह, लेकिन ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसलिए अल्लाह ताला की शान में बुर्दबार के कहने में थोड़ा सा अदबी एतबार से फ़र्क़ पड़ जाता है, इसलिए हलीम हिल्म वाला, जल्द इंतकाम ना लेने वाला, जल्द सज़ा ना देने वाला, ताकि तौबा की उसे यानी मोहलत दी जाए। इन्नल्लाह अलीम हलीम, ज़ालिक ये सारा ये जो बयान बिल्कुल यानी जो बयान किया गया है ये साबित है, यकीनी है। अमन आक़बा बिमिस्लि मा उक़िबा बिही, और जो बदला ले मुआक़बा करे उसी के मिसल मौक़िबा भी है, जो उसे सताया गया जितना उसे सताया गया उतना ही अगर वो बदला ले, सुम्मा बुगिया अलैही, कि यानी उसे इजाज़त है कि इतना बदला ले सकता है, फिर उस पर बगावत की गई यानी जितना कि उसने उसे तकलीफ़ दी गई थी उतना बदला लेने के बाद फिर ज़ालिम ने फिर मदीद उस पर यानी उसे यानी तकलीफ़ पहुँचाई, फिर उस पर बगावत की गई, तो लयंसुरन्नहुल्लाह, अल्लाह ज़रूर ज़रूर उसकी मदद फरमाएगा। इन्नल्लाह लाफ़ून गफ़ूर, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है। ज़ालिका ये इसलिए कि अल्लाह ताला यूलिजुल लैला फिन्नहारी, रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, यानी रात दिन को तुलू के ज़रिए से रात ख़त्म कर हो जाती है, और यानी जिस तरह यानी रात की वजह से दिन ख़त्म हो जाता है, ये अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानी है, कि यह है कि
انشاءاللہ تعالی تفسیر میں بیان کیا جائے گا کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، ذالک بان اللہ یلج اللیل فی النہار و یلج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، اور یقینا اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذالک یہ اس لیے کہ بان اللہ الحق، کہ اللہ تعالی ہی حق ہے، وان ما یدون من دون الباطل، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ باطل ہے۔ وان اللہ العلی الکبیر، کہ اللہ ہی کی ذات علی بلند ان علو والی اور کبیر بڑی ہے، عظمت والی ہے، بلند بالا ہے۔ ذالک علم تر ان اللہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا، فتصبح الارض مخضرہ، تو زمین سرسبز شاداب ہو جاتی ہے۔ علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی لطف والا ہے، اللہ تعالی کہ امور انتہائی لطیف ہے، کہ خبیر اور باخبر ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ساری کی ساری اسی کی ملک ہے۔ کہ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لہ الغنی الحمید، اور وہی مستغنی ہے، بے نیاز ہے اور لائق تعریف ہے۔ محترم حاضرین، ابھی سورہ حج کے 8ویں رکوع کی جن آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کے انجام اور ان کی جزا کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ الملک یومئذ للہ، کہ ملک اس دن اللہ ہی کے لیے ہے، یوں تو ہمیشہ ہر آن، لیکن اس وقت جو آج انکار کر رہے ہیں، اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی ملک اور شہنشاہیت کا اس دن اعتراف کریں گے، لیکن اس دن اعتراف کرنا کام نہیں آئے گا جو یہاں اعتراف نہیں کریں گے۔ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اعمال صالحہ بجا لائے، تو وہ فی جنات النعیم، تو نعمت کے باغوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ یہ تمام اہل ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کا انجام تھا۔ اب رہا یہ کہ تمام اہل ایمان عمل کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں، مرتبے کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں۔ اب انہی اہل ایمان میں جن کو اللہ نے اور مزید عظمت عطا فرمائی، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، یعنی اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے، ان کی فضیلتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی، یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے اگر انسان اپنے وطن اور اپنے یعنی مسکن کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی قربانی کی بات ہے کہ ہمیں اپنے کاروبار کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے تعلقات کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، پھر اس کا ثم قتلوا، پھر قتل کر دیا جاتا ہے، پھر جہاد میں یا یہ کہ دشمن کی طرف سے کسی بھی طریقے سے اسے یعنی ناحق سے مارا جاتا ہے، او ماتو، یا اپنی طبعی موت مر جاتا ہے ہجرت کرنے کے بعد۔ جہاد میں نہیں، یعنی جہاد میں تو شریک ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی سب کچھ قربانی کے باوجود بھی اسے شہادت کی موت نہیں آتی، اپنی طبعی موت اپنے بستر پر مرتا ہے، اور ماتو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان دونوں کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ ایک تو شہادت کی وجہ سے تو ہے ہی کسی صورت میں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو طبعی موت جس کی ہو گئی ہے، اس کی کیا فضیلت؟ اس کی فضیلت یہ ہے اس نے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر کے اللہ کی راہ میں نکلا۔ یعنی یہ ہجرت بھی ایک بڑی قربانی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا، کہ جو یعنی شہید ہو گیا یا کہ اپنی موت مر گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو لَيَرْزُقَنَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ تو چنانچہ اس کا شانِ نزول یہ بتایا گیا۔ ایک مرتبہ یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں قتل بھی کر دیے گئے، یقیناً ان کے مرتبے تو معلوم ہیں کہ عظیم مرتبے والے ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ بتائیے، اگر ہمیں شہادت کی موت نصیب نہ ہو، اگر ہم یعنی اللہ کی راہ میں نہ مارے جائے، تو اپنے اپنی طبعی موت یعنی مر جائے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں کہ ہمیں وہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت یعنی ان کی تسلی کے لیے اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ ہجرت بھی بہت بڑی قربانی ہے، ہجرت بھی گویا کہ اللہ کی راہ میں گویا اپنے آپ کو انسان یعنی فنا کر دینا ہے۔ اسے اللہ نے فرمایا یقیناً ان کے ہی مرتبے بڑے ہیں، ان کے ہی مرتبے بڑے ہیں بے اعتبار ہجرت کے۔ اپنا صحابہ کرام کی سیرت پڑھی ہے، انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اپنے کاروبار وغیرہ یعنی اپنی ساری زندگی کے سارے اثاثے کو چھوڑ کر محض اللہ اس کے رسول کی محبت میں مکے سے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور تاریخ پڑھ لیجیے کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں کی، کہ یعنی ساری کی ساری
सारी जायदाद छोड़ दिया है, यहाँ तक कि सिर्फ तने तना आए जो बहुत बड़े मालदार थे, यहाँ आने के बाद कुछ नहीं था। लेकिन इसलिए अंसा क्यों कहा गया सहाबे कराम को, महाजिन की ऐसी मदद फरमाई यहाँ तक के यानी अपनी जायदाद में उनका हिस्सेदार बना दिया कि अगर अगर किसी के पास दो बाग थे तो एक बाग अपने महाजिर भाई को दे दिया। यानी दुनिया की कोई यानी तारीख ऐसी पहनी उख़ुवत की ऐसी मिसाल नहीं पेश कर सकती, जो सीरत का एक मुस्तकिल बाब है जो आप यानी पढ़ेंगे कि यानी भाईचारगी। तो चुनाव इस तरह और अब्रहा ये कि हिजरत के बारे में ये भी सुन लीजिए, एक ये तो हिजरत तो क़ियामत तक यानी हिजरत का हुक्म जारी है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस वक्त की जो बात चल रही थी कि जब मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करना फ़र्ज़ था, कब तक? फतेह मक्का तक। मक्के से मदीने क्यों कि यानी दारुल इस्लाम मदीने के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जब यानी मक्का मुकर्रम फतह हो गया तो इसकी फर्जियत तो यानी ख़त्म हो गई, मनसूख हो गई, लेकिन नफ्स ईमान की हिफाजत के लिए क़ियामत तक हिजरत का हुक्म बाकी है। लेकिन मदीने ही की तरफ हिजरत करना ये फर्जियत को मंसूख कर दिया गया कि और जब कोई ऐसे हालात हो जाए तो इंसान ईमान की हिफाजत के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाता है वारजुल्लाह वासिया, अल्लाह की ज़मीन वसी है, तुम अपनी ईमान की हिफाजत के लिए तुम्हें अपना मनी अगर वक्त पड़ा तो अपना मुकाम भी छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह यानी हिजरत के ये यानी ये माना है। और एक हिजरत का हकीक माना है इंसान अपना वतन तो छोड़ रहा है लेकिन उस वतन को छोड़ने के साथ साथ अपने गुनाहों से बाज नहीं आता, तो बताया गया कि हकीकी मुहाजिर नहीं। हकीकी मुहाजिर ये है कि अब मिसाल के तौर पर एक शख्स ऐसा है कि जिसे ज़िंदगी में हिजरत का मौका नहीं मिला लेकिन चाहता है कि उसे मुहाजिर का सवाब मिल जाए, तो अल्लाह के भी फरमाते हैं कि देखो कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हिजरत का मौका नहीं मिले, तुम मुहाजिर बनना चाहते हैं, यह मौका तो क़ियामत तक हर मुसलमान को हासिल है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्ला अन्हु। हकीकत में मुहाजिर वो है, मुहाजिर माने छोड़ने वाला, हकीकत में छोड़ने वाला वो है, हकीकत में मुहाजिर वो है जो अल्लाह ताला ने जिन बातों को करने से मना किया है उससे रुक जाए, अपने नफ्स को उससे रोक दे, अपने आज़ा को उससे रोक दे, तो ये हमेशा की हिजरत है। हिजरत तो ये वक्ती है कि तुम अपने मुकाम को छोड़कर दूसरे मुकाम को चले गए, ये वक्ती है। लेकिन एक मुसलमान के साथ ये हिजरत का हुक्म वक्ती नहीं है, मरते दम तक अपनी आँखों को गुनाहों से बचाना है, अपने कानों को गुनाहों से बचाना है, अपने हाथों को अपने पाँवों को। ये हिजरत का हुक्म तो ज़िंदगी के हर यानी हर रोज़ हर दिन यानी ये मुसलमान यानी मतलब ये कि ये इस हुक्म पर अमल ही करना है कि हकीकत में मुहाजिर वो है, मुहाजिर छोड़ देना यानी गुनाहों को छोड़ देने का नाम, यानी जिन बातों से अल्लाह ने मना किया है जिसके करने से उसको छोड़ देने का नाम, यानी ये अल्लाह के भी फरमाते हैं कि ये भी हिजरत है, ये हकीकी मुहाजिर है। जब इशाद होता है कि जो यकीनन यही वजह बताया गया कि औलिया अल्लाह के बहुत बड़े मर्तबे हैं कि गर्चे के शोहदा के मर्तबे तो अपनी जगह है लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी की सारी यानी मतलब ये कि यानी सारे ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के सामने उन्हें झुका दिया, सारे तस्लीम कम कर दिया। इसलिए यह भी बताया गया कि ये भी शहीद मोहब्बत है, ये मोहब्बत में अपने आप को उन्होंने फना कर दिया। इसलिए उनके भी बड़े अल्लाह ने बड़े बड़े मर्तबे बयान फरमाए कि सुम्मा कुतिलो और मातु। अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह रिस्क हसना, अल्लाह ज़रूर ज़रूर उनको रिस्क हसन अता फरमाएगा। रिस्क अल्लाह ताला सिर्फ रिस्क अता फरमाएगा ये भी बड़ी बात है, लेकिन हसन जब लफ्ज़ फरमा दे तो ऐसा रिस्क के जिससे इंसान राज़ी हो जाए। रिस्क तो सभी को मिल रहा है लेकिन बाज़ इंसान यानी ज़रूरत के हद तक तो रिस्क तो हासिल करता है लेकिन फिर भी इंसान यानी मतलब है कि उससे मुकम्मल यानी मुतमईन नहीं होता, लेकिन अल्लाह जिसको ये ऐसी अता फरमाएगा तो यकीनन इंसान राज़ी हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के बारे में क्या फरमाता है, या तो नफ्सुल, जब इंसान के मौत का वक्त आता है तो उसे निदा आती है कि ए मुतमईन नफ्स, या तो नफ्सुल मुतमईना। मुतमईन का मतलब यह है कि वह नफ्स जो अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान जिसको हासिल होता है, कि नमाज़ों से जिसको इत्मीनान हासिल होता है, तस्बीह से जिसको इत्मीनान हासिल होता है, तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला यह इनाम अता फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि राज़ी या तब मर्ज़ी या, तो दुनिया में तू मुझसे राज़ी थी, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू राज़ी है यानी मतलब है कि तू अल्लाह के अहकाम के राज़ी से राज़ी थी, अल्लाह भी तुझसे राज़ी है कि राज़ी होने वाला और जिससे रजामंदी यानी जिससे दूसरे राज़ी रहे कौन, अल्लाह ताला की ज़ात उससे राज़ी है। सहाबा का बड़ा वस्फ़ क्या है, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। तो चुनांचे ये मुकाम अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसा रिस्क अता फरमाएगा जिससे बंदे राज़ी हो जाएंगे। व इन्ना अल्लाह लहु खैरुर राज़िकीन, बेशक अल्लाह ताला सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है, अता फरमाने वाला है। अब यहाँ ये कि राज़िकीन खैरुर राज़िकीन क्यों फरमाया, यानी मजाजी तौर पर दुनिया में माँ बाप और दुनिया के लोग रिस्क मुहैया करते हैं तो मजाजी तौर पर उन्हें भी रिस्क देने रिस्क अता करने वाले रिस्क देने वाले कहा जाता है, गरचे के लफ्ज़ राज़िक़ का इतलाक नहीं बिल्कुल भी यही नहीं, ये कराहत है इसकी, लेकिन मजाजी तौर पर उन्हें रिस्क फराहम करने वाला कहा जाता है। लेकिन याद रखना, दुनिया वाले जो रिस्क देते हैं वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाले नहीं हो सकते,
सारी कायनात का खालिक वालिक, बल्कि दुनिया वाले जो देते हैं वो अपनी तरफ से नहीं देते, अल्लाह की अता से देते हैं। ये रिस्क उनका नहीं, ये रिस्क अल्लाह का अता करते। अल्लाह अगर अता ना करता तो ये नहीं दे सकते। तो अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला इसलिए है, ये देते हैं तो कितना देते हैं, महदूद देते हैं। कोई किसी को रिस्क कितना फराहम करेगा, सबसे यानी अपने घर वालों को फराहम करेगा, और ज़्यादा दे दिया तो ख़ानदान वालों को, और अगर कोई यानी मुकाम का रईस है तो एक मुल्क को देगा, लेकिन सारी कायनात को तो नहीं दे सकता। तो अगर कोई ज़ात सारी कायनात को दे सकती है तो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला फरमाता है, इसलिए सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना क्या बयान फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे आलमीन का पालनहार है, सारे आलमीन को का रब है, सारे आलमीन की परवरिश करने वाला है। अब परवरिश कैसी होती है, रिस्क हर एक का रिस्क है, इंसान ही का रिस्क नहीं, कीड़े मकोड़े ये दरख्त जो उड़ते हैं वो बगैर रिस्क के, पानी वगैरह जो मिट्टी के को यानी मतलब कि ताकत को लेकर निकलते हैं, कि ये सारे के सारे आलम, इंसान ही इसके अंदर दाखिल नहीं, जो जो चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला की मोहताज है, कि बगैर उसके यानी अल्लाह ताला की अता के वो डेवलप नहीं हो सकते। तो जनाब अल्लाह ताला फरमाता है कि सारे आलमीन का वो रब है, और दुनिया में एक इंसान जब देता है तो महदूद देता है, और दूसरा है कि इंसान की खुद अपनी मिल्क की नहीं, अल्लाह की अता करता है। तीसरा ये कि इंसान जब देता है तो कोई उसकी मनफियत होती है, कोई मकसद हुआ करता है, मकसद ये हुआ करता है उसकी तारीफ़ करे, उसकी वजह से मेरी शोहरत हो। अल्लाह ताला गनी है, अल्लाह की कोई तारीफ़ करने से लायक तारीफ़ नहीं, वो तो लायक तारीफ़ है, इंसान तारीफ़ करके अल्लाह ताला के क़ुर्ब को हासिल करता है, अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है, अल्लाह के यानी रिदा को हासिल करता है, वरना वो तो हर हालत में लायक तारीफ़ है। और दुनिया में जो देता है गर्ज होती है कि ये इसलिए दे रहे हैं कि बच्चे आइंदा चल कर मेरे बाजू बने, लेकिन अल्लाह ताला को कोई गर्ज नहीं, बगैर किसी गर्ज के देता है, इसलिए अल्लाह ताला से बढ़कर बेहतर कोई रिस्क देने वाला नहीं। और रिस्क के माने और एक बात याद रख लीजिए, रिस्क के माने हैं अता के माने हैं, रिस्क के माने खाने ही के नहीं है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत, मालदार हो कि गरीब यानी अमीर हो कि गरीब हो कि ज़यीफ़ हो कि बूढ़ा हो कि बच्चा हो कि यानी हर एक की ज़रूरत है, खाना हर एक की ज़रूरत है, रिस्क हर एक की ज़रूरत है। इसलिए हर एक की ज़रूरत होने की वजह से जैसे लफ्ज़ रिस्क कहा जाता है तो उसका सबसे पहला यानी बिल्कुल यानी मतलब है कि उसका पहला माना इंसान अक्सर क्या लेता है, खाना पीना, वरना इसका मतलब हर किस्म की अता को रिस्क कहा जाता है। तो अल्लाह ताला बेशुमार इनामात अता फरमाएगा इसके अंदर, क्या कहाँ कहाँ अता फरमाएगा, एक तो कब्र की ज़िंदगी में अता फरमाएगा, हश्र की ज़िंदगी में अता फरमाएगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, ऐसे आलम में अल्लाह ताला लोग यानी मतलब कोई गुनाहों की वजह से कोई अपने पसीने में कोई घुटनों बराबर कोई टखनों बराबर कोई कमर बराबर डूबे होंगे, अल्लाह के ऐसे बंदे भी होंगे, अल्लाह ताला उन्हें अर्श के साए में जगा देगा। ये कितना बड़ा रिस्क, इसको अता कहते हैं, रिस्क के माने अता के हैं। अल्लाह बेहतरीन अता है, बेहतरीन इनामात अल्लाह ताला ने अता फरमाएगा। जो जितना अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा है, जो जितना आमाल सालिहा की ज़िंदगी इख्तियार किया, उतना ही अल्लाह ताला उसे अजीम यानी रिस्क अता फरमाएगा। ऐसा रिस्क अता फरमाएगा कि जिससे बंदा राज़ी हो जाएगा। क्या फ़र्क ये है कि बंदा किससे राज़ी होगा, अभी आगे चल के और एक बताया कि रिस्क के साथ इंसान को किस बात की ज़रूरत होती है, खाना ही काफ़ी नहीं, रहने के लिए मकान भी चाहिए। लयुत्कुलन्नहु मुत्कल यर्दाना हो, अल्लाह ताला ऐसा मकान ऐसा मस्कन अल्लाह ताला फरमा, मतकल माने दाखिल होने की जगह, ऐसा मस्कन अता फरमाएगा कि जिससे बंदे राज़ी हो जाएंगे, जिससे बंदे राज़ी हो जाएंगे अल्लाह ताला। तो मतलब ये कि कोई इंसान किसी खाने पीने दुनिया में कैसे कैसे भी दिया जाए, उसे ये हिर्स होती है कि इससे भी आला मुझे मिल जाए, ये तो अच्छा ही है, कितनी भी आपको यानी मैंने मज़ेदार गिज़ा मिल जाए या इससे भी कोई बेहतर हो तो मिल जाती तो और अच्छा था। और कितनी भी अच्छा मकान है आपको आराम का, दुनिया का आपके पूरे महल्ले में ऐसा मकान नहीं है, आपके शहर में नहीं, फिर भी आर्ज़ू होती है इससे बेहतर भी कोई हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अल्लाह ताला जन्नत की ऐसी ऐसी नेमत अता फरमाएगा कि बंदा यानी बिल्कुल उससे राज़ी हो जाएगा, यहाँ तक कि एक मौका ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला बंदों से पूछेगा, अरे बंदो के अपने अहले जन्नत को जमा करके कि जो कुछ मैंने तुमको दिया क्या तुम उससे राज़ी है, तो सब कहेंगे, दुनिया में नहीं कह सकता, अगर दुनिया से पूछा जाए कि तुम अपने मकान से राज़ी है, चल तो रहा है और भी अगर हो तो अच्छा है ये कहेगा, लेकिन तुम राज़ी है तो सारे के सारे बंदे कहेंगे कि इससे बेहतर तो और अल्लाह क्या चीज़ है, यानी मतलब कि जो नहीं दिया यानी कोई चीज़ ही नहीं रहेगी तमन्ना के लिए, कोई आरज़ू के लिए कोई मौका ही नहीं रहेगा कि तमन्ना कर सके, खाने में कोई तमन्ना कर सके इससे बेहतर, और रहने में कोई तमन्ना कर सके इससे बेहतर, कोई आरज़ू का नहीं, मतलब ये कि सोच भी नहीं सकता कि क्या कहा जाए, तो अल्लाह इससे बेहतर कहा। फरमाया कि और एक चीज़ है, हैरत से कहेंगे वो क्या है, और एक चीज़ है जो तुमको इससे बढ़कर अता करने वाला हूँ, जो तुमको इससे बढ़कर अता करने वाला हूँ। तो सो हैरत से कहेंगे अल्लाह इससे बढ़कर भी कुछ है, हाँ तो मैं तुमको अपनी रजामंदी रिजवान यानी जो हदीस के अल्फाज है, मैंने तुमको रिजवान दे दिया, अब कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। अगर दुनिया में कितनी भी आला नेमत है, गारंटी नहीं दी जा सकती कि हमेशा बाकी रहे, ये खाना पीना ये रिहाइश हमेशा बाकी रहे,
लेकिन अब ये सबसे बड़ी नेमत है, अब तुमसे राजी हुआ, कभी नाराज नहीं होगा। इसको कहते अल्लाह ताला का राजी हो जाना, रिजवान, ये सब अल्लाह ताला की ये सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ने क्या फरमाया और कुरान करीम में, अल्लाह का राजी हो जाना सबसे बड़ा है, और रिजवान मिन अल्लाह अकबर, अल्लाह का राजी हो जाना ये सबसे बड़ी बात है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट, यानी ग्रेटेस्ट कहते हैं, अकबर में सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट, तो अल्लाह का राजी हो जाना। अल्लाह किससे सबसे बढ़कर, यकीनन जब अल्लाह ताला की रजामंदी सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट चीज़ है, तब ग्रेटेस्ट चीज़ को हासिल करने के लिए आप ग्रेटेस्ट चीज़ को इख्तियार करें, वो क्या है, वला जिक्रुल्लाह अकबर, उसके मुकाबले में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, अकबर। इस अकबर को हासिल करने के लिए जरिया क्या होना चाहिए, अकबर। जितनी बड़ी डिग्री होगी उतनी ही आपकी मेहनतें करनी पड़ी होगी, पड़ेगी जितनी बड़ी है। तो इसी तरह आपको अल्लाह ताला की रजामंदी से बढ़कर कोई अकबर नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि अब उस अकबर का जरिया क्या है, उस अकबर को हासिल करने का जरिया क्या है, अकबर को जरिया बनाए। अकबर क्या है, अल्लाह ताला दूसरे मुकाम पर, एक मुकाम पर फरमाता है अल्लाह की रजामंदी अकबर बहुत बड़ी है, और दूसरे मुकाम पर क्या फरमाता है, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। उस अकबर के हुसूल के लिए जिक्र इलाही के सिवा और कोई चीज़ ऐसा जरिया नहीं कि जिसको जिसके ज़रिए से उस अकबर को हासिल किया जा सके। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि लयदखुलन्नहुम मुतकल्लिदन, अब रहा ये कि जन्नत के किसी भी दर्जे में होगा, हर एक जन्नती अपनी नेमत से मुतमईन होगा। तो अब सारे के सारे बंदे जो दाखिल करेंगे, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी नेमतें फरमाएगा कि जिससे हर बंदा राज़ी रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला अपने हबीब के बारे में क्या फरमाता है, वला सौफ युती का रब का फतरदा, आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। बोलेंगे यहाँ भी अल्लाह ताला फरमाया कि तुमको इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे, यहाँ ये बताया जा रहा है ना कि ऐसे मस्कन में लयदखुलन्नहुम मुतकल्लिदन यरज़ूनहु, कि बंदे राज़ी हो जाएंगे। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि दूसरे बंदे उन्हें जो इत्मीनान चैन व सुकून मिला उससे राज़ी हैं, नबी उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक कि उम्मत को चैन व सुकून नसीब ना हो जाए। आपकी रजामंदी अपनी ज़ात के लिए नहीं, आपकी रजामंदी किसके लिए होगी, उम्मत के लिए होगी। शफात करते जाएंगे यहाँ तक कि आखिरकार ये कहा जाएगा कि अगर किसी के दिल में ज़र्रा बराबर ईमान हो तो उसे जहन्नम से निकाला जाए। शफात का पर ईमान लाना हक है, वाजिब ज़रूरी है, लेकिन ये कोई ये ना समझे कि शफात किसी सूरत में होने ही वाली है तो फिर इतनी सारी नेकियाँ और इतनी सारी मेहनतें क्यों। याद रखिए शफात के दर्जे हैं, एक तो जहन्नम में नहीं जाएगा, अगर जहन्नुम में जाए कि अल्लाह के हबीब की शफात की बुनियाद पर जन्नत में जाएगा, और एक अल्लाह का नेक बंदा होगा लेकिन अल्लाह के हबीब की शफात की वजह से उसके दर्जात बुलंद होंगे, यानी उसके आमाल इतने नहीं थे कि इतना आला दर्जा मिले। तो शफात के कई दर्जे हैं, नेकों की भी शफात की ज़रूरत है, अलिया की भी शफात की ज़रूरत है। तो आप शफात एक यानी अल्लाह ताला को किसी के आमाल ऐसे पसंद आ गए उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, अल्लाह के हबीब की शफात से जहन्नुम में दाखिल किए बगैर जन्नत में दाखिल करेगा, फिर जहन्नुम में दाखिल होने के बाद निकाला जाएगा, फिर उसके दर्जे होंगे, स्टेप बाई स्टेप होंगे, पहले एक गुरु को निकाला जाएगा फिर दूसरे गुरु को निकाला जाएगा, अंदा लगाइए। तो अब दुनिया की आग तो चंद सातों को जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि जो जहन्नुम की यानी आग को जब 100 मरतबा या 70 मरतबा धोया गया कि दुनिया की आग इस्तेमाल के लायक होगी। अब देखिए यह धूप इतनी सख्त है, अंदा लगाइए, अगर 100 गुना अगर बढ़ा दी जाए इस धूप को, उस धूप का आलम क्या होगा। फिर यह धूप आग नहीं है, हम तो आग की बात कर रहे हैं, सिर्फ वो जो यानी मतलब ये कि जो सूरज के अंदर जो आग की कैफियत उसके असरात का ही आलम है, डायरेक्ट यानी आग में नहीं है। डायरेक्ट जब आग में नहीं है तो ये कैफियत है, तो डायरेक्ट जो आग जो सूरज की होगी उस आग से भी 100 गुना। तो अंदाज़ लगाइए, तो यकीनन यानी मैं हमेशा शफात के अकीदे पर ईमान रखने के साथ साथ ये भी यानी डरना चाहिए कि यानी आमाल सालिया बजा लाना, अल्लाह ताला के बारे में यानी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारी शफात यानी हमें उनमें शामिल फरमा कि जिनकी शफात अव्वलीन ज़ुमरे में हो जाए, जहन्नुम में जाए बख़ीर हो जाए। तो वरना अब उसकी मिसाल ऐसे ही, अगर कोई ये कहता है कि शफात है लिहाजा अमल करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा ही है, घर में ज़बरदस्त आइडीन है लगाने की वजह से बिल्कुल यानी कैसे से कैसे ज़ख़म चला जाता है, तो अगर कट जाए तो आइडीन है, ये नहीं है कि घर में ज़बरदस्त आइडीन है काट लो, घर में ज़बरदस्त आइडीन है काट लिया नहीं जाता है, बल्कि कट जाता है तो यानी किसी वजह से, तो जब यानी उसको यानी उस पर सहारा लिया जाता है। तो याद रखिए कि अब यकीन अल्लाह के हबीब की रजामंदी क्या होगी, उस वक्त तक अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मैं राज़ी नहीं होगा जब तक के नहीं कोई उम्मती मेरा जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है कि जहन्नम में रहे जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तो एक इरशाद होता है कि लयदखुलन्नहुम मुतकल्लिदन यरज़ूनहु व इन्नल्लाह अलीम हलीम, बेशक अल्लाह ताला इल्म रखता है कि कौन, इल्म की बात क्यों कही गई, हिजरत, एक हिजरत ज़ाहिरी एक हिजरत बातिनी,
यकीनन ज़िंदगी भर की हिजरत है। अगर इंसान अल्लाह ताला फरमाता है कि अलीम हलीम, अल्लाह जानता है कि कौन किस नीयत से हिजरत किया, हिजरत करने में भी यानी नीयत का दखल है। कोई दुनिया के लिए हिजरत करता है, बुखारी शरीफ की मशहूर रिवायत है कि इन अमल आमाल बिन नियत, ये हदीस का ये सिर्फ यानी जो मशहूर जो यानी जो हदीस है मुकम्मल नहीं है, ये हदीस का टुकड़ा है। इन अमल आमाल बिन नियत, बेशक आमाल का दरवाज़ा नीयतों पर है। वह इन लिकुल्मरी मानवा, हर आदमी के लिए वही मिलेगा जो उसने नीयत की, जिसकी नीयत फमन कानत हिजरत अल्लाह रसूल ही हिजरत हुई अल्लाह रसूल ही, जिसकी नीयत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करना होगी तो उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल की तरफ समझी जाएगी, जिसकी नीयत दुनिया के लिए होगी तो उसकी हिजरत दुनिया के लिए समझी जाएगी। अब यकीनन कोई अगर किसी किस्म की कोई खामी हो जाए, तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अलीमुन, अल्लाह हर एक की नीयतों को जानता है, उसके एतबार से अल्लाह ताला उनको रिज़्क हसन अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला अगर किसी से कोताही हो जाए और अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू हो जाए, अल्लाह उसको माफ़ भी फरमाता है। हलीम कि अल्लाह ताला जल्द उसका इंतकाम नहीं लेता, जल्द सज़ा नहीं देता, मौका देता है कि अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाए। इसलिए यह वस बयान किया गया, उसका इरशाद होता है कि ज़ालिक, ये ज़ालिक इससे पहले भी बताया गया, इसी सूरे में आ चुका है कि ज़ालिक एक कलाम से दूसरे कलाम की तरफ मुंतकिल होने के लिए ये लफ्ज़ ज़ालिक बगैर उसकी निक सिर्फ सब्जेक्ट बगैर यानी उसके प्रेडिकेट का जिक्र किया जाता है, मुब्तदा खबर के बगैर जिक्र कर दी जाती है। तो ये कलाम तो तुम समझ चुके, ये यानी ये इनका हुक्म तो मालूम कर चुके, या कि इसके कई माने बयान किए गए, क्योंकि जब महजूफ़ है तो उसमें यानी ज़्यादा वसत हुआ करती है, या इस बात को मानी अच्छी तरह जहन में महफूज कर लो, इनके अल्लाह ने ऐसे ऐसे मरतबे अता फरमाए। उसके बाद अब ये बात तो सुन चुके, अब दूसरी बात सुनो, अमन आकबा में और जिन्होंने बदला लिया भी मिसली माँ ओकीबा भी ही कि जितना के उन पर जुल्म किया गया, तो इसकी इजाज़त है, इस्लाम इसकी इजाज़त दी। जैसे कोई कत्ल कर दे तो उसके बदले में कत्ल कर दिया जाएगा, कोई किसी के हाथ को काट दे उसके बदले में हाथ काट दिया जाएगा, यानी किसास और दियत वगैरह के मुस्तकिल फ़िक्र में अकाम है तफसीली तौर पर, यानी एक इस्लामी हुकूमत किस तरह यानी मतलब है कि जालिम से बदला लेगी, उसके पूरे कवायद मुकर्रर है। अलबत्त ये बताया गया कि अगर कोई किसी को जलाकर मार दे, अहादीस में जलाकर मारने की उन्हें ममानत आई है, उसका इमाम शाफी माँ उन्हीं फ़ाल के दरमियान फ़िक़ एतबार से इख्तलाफ है। अल्लाह के हबीब ने जलाकर किसी को सज़ा देने से मना किया है, उसका हुक्म यह है कि उसे जलाकर नहीं मारा जाएगा, उसे तलवार ही के जरिए से मारा जाएगा। इमाम शाफी रहमा इस आयत की उमूमी एतबार से उन्होंने कह दिया उसे जलाकर मारा जा सकता है, लेकिन इमाम साहब का मसला बहुत इंतहाई मोहताज बुनियाद पर होता है, या ऐसा होता है कि कुरान की आयत पर भी अमल हो जाए, हदीस पर भी अमल हो जाए। तो कुरान की आयत यह कहती है उसे बदला लिया जा सकता है, हदीस ये कहती है कि जलाकर नहीं, उसके किसी से बदला नहीं लिया जा सकता। दोनों पर अमल कि बदला तो लिया जाएगा, लेकिन ये कि सिर्फ जलाने के अलावा जो दूसरा तरीका है कत्ल वगैरह के जरिए से, इस तरह यानी बदला लिया जाएगा। तो उसका इरशाद होता है कि अब कि यहाँ बहुत यानी एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो इंसान मतलब है कि उसी पर जुल्म होता है, तो अब मज़लूम ज़ालिम से कभी इतनी ज़्यादती कर देता है बदला लेने में कि अब वो जो ज़ालिम था वो मज़लूम बन जाता है, मज़लूम ज़ालिम बन जाता है। आजकल दुनिया में देखा जाता है किसी ने एक का कत्ल कर दिया, एक के बजाय दो को कत्ल कर देता है, तो यकीनन यानी वो अब मज़लूम नहीं रहा, ज़ालिम हो गया। वो उसने जो ज़्यादती की उससे कोई चीज़ छीन ली, तो जितनी चीज़ छीनी उससे डबल उसकी चीज़ छीन ली जाती है। तो याद रखिए अल्लाह ताला फरमाता है अगर दुश्मन भी है तो तुम यानी तुम्हारी उसकी दुश्मनी इस बात पर ना उभारे कि तुम यानी हद से बढ़ जाओ, यहाँ तक कि जब कुफार मुशरिकिन के बारे में हुक्म है तो फिर अहले ईमान के लिए कहाँ सजावार है एक मोमिन दूसरे मोमिन को तकलीफ़ दे। इरशाद खुदावंदी है ला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलु, किनके बारे में कहा गया, मुशरिकिन के बारे में, यानी अहले ईमान से कहा जा रहा है कि हरगिज़ किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमदा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो, यानी अगर वो नहीं तुम्हारे मजहब वाला नबी नहीं है तो हमें उनके साथ इंसाफ करना पड़ेगा, इंसाफ का दामन हाथ से छूटने ना पाए। इसलिए इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फिर उसके बाद भी अगर कोई यानी उस पर बगावत करता है, अल्लाह ज़रूर उसकी मदद फरमाएगा। यानी बदला लेने के बाद जितना कि ज़रूरी है बदला लिया, उसके बाद भी उसके ऊपर यानी कोई अगर तादी करता है, जुल्म करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है ज़रूर उसको अल्लाह ताला यानी मदद करेगा उसकी। इन अल्लाह अलाफ़ुल गफ़ूर, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। अब रहा यह कि यहाँ पर सवाल यह है कि अगर किसी को कोई सताया गया और उसने उसी के मुताबिक यानी उसका बदला लिया, फिर उस पर ज़्यादती की गई, ये जितने आमाल जो अहले ईमान को बताए गए इसमें यानी बिल्कुल अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक कर रहा है, उतना ही बदला ले रहा जितना कि उसे सताया गया, फिर मजीद उस पर यानी जुल्म किया गया, अल्लाह मदद का वादा फरमा रहा, फिर अफू क्यों फरमा रहा, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्योंकि ये जो अल्लाह जब हुक्म दे रहा है ये किया जा सकता है, माफ़ी का ऐलान कब होता है,
मगफरत का ऐलान कब होता है? जब जुर्म होता है। फिर यहाँ अफू क्यों कहा जा रहा है? सवाल ये है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, क्योंकि अल्लाह की जो सिफात बयान की जाती है मज़मून के अतबार से होती है। बात यह है, इसलिए बयान किया जा रहा है गरचे के तुम बदला ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद यह है कि तुम अपने भाई को क्या कर दो, माफ़ कर दो। फमन अफा व असलहा, अल्लाह तरफ जो माफ़ कर दिया, इसलाह किया, फाजरू अल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह 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 पर है। और एक मकाम पर फरमाता है, वलमन सबरा, और जिसने सब्र किया, व गफरा, माफ़ कर दिया, इन सब्र इन जालिकमिन अजमिन उमूर, ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। सब्र करके मुखालिफ को माफ़ कर देना, ये हर एक नहीं कर सकता, ये बड़ी अल्लाह ताला उसकी तारीफ फरमा रहे, हिम्मत के कामों से है। ये सहूलत भी हो गई, बदला ले नहीं लेना है ऐसा तो नहीं है। अब भाई कि जब बदला लेने का जब मामला आता है तो कभी इंसान से क्या होती है, ज़्यादती होती है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम डर रहे हैं कि कहीं ज़्यादती ना हो, तो अल्लाह ने तुम्हें दूसरा भी इख्तियार दिया कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, तो यकीनन ने क़ियामत में तुम्हें अल्लाह ताला मदीद इसका बदला अता फरमाएगा। और तुम्हें इस बात का खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुकम्मल तौर पर जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया उसकी तामील नहीं कर सकोगे, तो उसमें बेहतर यही कि माफ़ी की वजह से माफ़ी का एक तरीक़ा ऐसा है कि तुम कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे तादी ना हो जाए, नाइंसाफ़ी ना हो जाए, उससे बच सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अब जो अवला है, जो तुम्हें करना चाहिए था, अवला क्या था, माफ़ कर दें, जो तुमने नहीं किया और जो तुमने ज़रूरी हद तक कबूल कर लिया, तो अल्लाह उसको माफ़ फरमाने वाला है। इसलिए यहाँ अफू का जिक्र फरमाया कि अवला तो यह था कि तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया, तो अल्लाह इसको माफ़ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है। अब रहा ये कि क्योंकि बस इंसान मुकम्मल तौर पर, बहुत से इंसान अक्सर देखा गया कि नफ्स पूरे जज्बे में होता है, जब बदला लेने की बात आती है तो कुछ ना कुछ उससे ज़्यादती हो जाती है। इसलिए बताया गया, एक यहूदी ने जैसा कि लोगों ने अहले सीर ने लिखा कि एक यहूदी जो उमूमन सूद के कारोबार करता था, एक मजबूर शख्स आया, मजबूर शख्स आने के बाद कहा कि उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते उसने कहा कि मैं उस वक्त तक तुझे कर्ज़ ना दूंगा जब तक के तू ये वादा ना कर ले कि वक्त पे अगर तू अदा ना करे तो एक रतल, बोले तो एक हिसाब है उस ज़माने में, जो जैसे इस ज़माने में किलो वगैरह है, एक रतल तेरा गोश्त मैं तेरे जिस्म से काट लूँगा। एक रतल बोले तो उतना हिस्सा मुकर्रर, जैसे मैं ज़्यादा पे छटाक यानी आधा पाव वगैरह, इतना एक मुकर्रर हिस्सा था जो रतल था। अब वो मजबूर था, उसने कहा कोशिश करेंगे यकीनन, यकीनन कोशिश करके मैं उसकी कर्ज़ को अदा करूँगा। तो वादा उसने इकरार कर लिया, यकीनन अगर मैं कर्ज़ अदा ना करे तो तुझे इजाज़त है कि मेरे जिस्म का एक बोटी जो एक मुकर्रर जो वज़न है काट ले। मुकर्रर वक्त आ गया, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसके कर्ज़ को अदा नहीं कर सका, तो उसने कहा कि वादे के मुताबिक अपना गोश्त देने के लिए तू तैयार हो जा। ये सीधा ये शख्स काजी के पास गया, काजी का मतलब उस ज़माने किसको कहते हैं, जज, अदालत गया, और जाने के बाद कहा कि बात ये है, अभी मुतालबा कर रहा है कि मेरे गोश्त काट ले। तो उन्होंने फैसला किया, काजी साहब ने, तो उन्होंने ये फैसला किया, ठीक है, कुरान का हुक्म ये है कि जो जितना जुल्म किया और उसी के मुताबिक उससे बदला लिया जाए। तेरा ये कौल ये है कि एक रतल काटना और एक ही मार में एक रतल कटना, ज़्यादा कम कटेगा तो तेरा गोश्त काट दिया जाएगा, क्योंकि बार बार छुरी से नुकसान पहुंचाना, तकलीफ़ पहुंचाना, ये तकलीफ़ दह है। जानवर को जब बार छुरी से तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती, यानी यहाँ तक कि इस्लाम ही हुक्म देता है कि उसे भी तकलीफ़ ना पहुंचाए, इसलिए अच्छी तरह तेज़ कर लिया जाए और एक ही उसमें बार बार अगर कुंद छुरी होगी तो उसे तकलीफ़ होगी, जानवरों को भी तकलीफ़ पहुँचाई नहीं जा सकती, ये तो इंसान है, इसलिए एक ही मरतबा में काटना और रतल से ज़्यादा हो जाएगा तो तेरा गोश्त काट लिया जाएगा, इस बात के लिए राज़ी है तो इंतकाम लेने के तैयार हो जा। कि फौरन वो अपने फ़ैसले से, वो अपने इस मुतालबे से दस्तबरदार हो जाता है कि मुकम्मल तो इस किस्म पर अमल नहीं किया जा सकता, कह गए मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि नहीं तो इसकी यानी गोश्त काटने की बात आ गई। इस तरह बताया गया कि बदला लेने का मामला बहुत बड़ा एहतियात का मसला है। और एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला को जुल्म इंतहाई नापसंद है, यहाँ तक कि जानवरों के जुल्म को माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर एक चूटी ने दूसरी चूटी पर जुल्म किया, एक सिंग वाले ने बगैर सिंग वाले को मारा गया, बावजूद है कि उनके लिए जन्नत दोजख नहीं, कल क़ियामत के दिन उन दोनों जानवरों को उठाएगा अल्लाह ताला उठाएगा, और जो बेसिंग वाले के लिए सिंग वाले से बदला लिया जाएगा, चूटी से चूटी का बदला लिया जाएगा, आखिर में उन्हें मिट्टी बना दिया जाएगा। जब एक जानवर के जुल्म को माफ़ नहीं किया जा रहा है, इंसान ये कैसे तसव्वुर कर सकता है कि मैं अपने दूसरे मुसलमान भाई पर जुल्म करके वहाँ पर मुझे माफ़ कर दिया जाए,
जाएगा, मैं बच जाऊँगा, क्योंकि हुकूक इबाद माफ़ नहीं होते जब तक कि साहिब हक माफ़ ना कर दे। इसलिए बहुत मामला नाजुक है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह लाफ़ुन गफूर, अल्लाह बख्श नहीं माफ़ करने वाला है, गफूर है मगफरत फरमाने वाला है। आप कहेंगे अफू के मानी माफ़ करने वाला है, मगफूर के मानी माफ़ करने वाला है, बख्श करने वाला है, थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये कि अफू के माने हैं कि एक माने बयान किया गया कि अफू एक इंसान माफ़ करने के बाद भी क्या होता है दुनिया में, दुनिया वाले जब माफ़ करते हैं तो दिल में खलिश रह जाती है, भाई मुजरिम थी है, जुर्म तो किया, जुर्म जुर्म उसका जुर्म ने बार बार यानी उसका जुर्म यानी खटकता है, फिर भी मुजरिम समझता है, फला समझता है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा माफ़ करने वाला है सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसके सारे गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है। तो और मजीद यानी एक तो अफू यानी दुनिया में आप माफ़ करके उसके बारे में कलिश रहती है कि इसने जुर्म किया है, मुजरिम है, लेकिन मैं माफ़ कर दिया यूँ ही उसे, लेकिन मुजरिम ज़रूर है। अल्लाह की इनायतों को देखिए, सच्चे दिल से बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि किरामन कातिबीन को कि उसके गुनाहों को मेट दिया जाए, और ज़मीन को हुक्म देता है कि उसके ज़मीन से प्रूफ को मिटा देता है और उनके नामे आमाज के दफ्तर से उसके गुनाहों को मिटा देता है। इसलिए अल्लाह ताला अफू भी है, माफ़ भी फरमाता है, उसके गुनाहों को बिल्कुल मिटा देता है। अल्लाह बल्कि अगर वो अगर इसलाह अगर अपनी इसलाह कर लेता है, नेकी की ज़िंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ताला मदीद उसका अपना मुकर्रर बना लेता है। इसलिए अफू के साथ अल्लाह ताला ने गफूरी बयान फरमाया कि ज़ालिक बिअन्नल्लाह। अब इस अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो अल्लाह ताला के बताए कवानीन के मुताबिक अमल करेगा अल्लाह उनकी ज़रूर मदद फरमाएगा। तो अब यहाँ ये अल्लाह ताला फरमाता है कि कौन कर सकता है जो हर चीज़ पर खादिर है, ये कौन करेगा कि जिसका यानी यकीनी तौर पर यह फरमाना कि ज़रूर ज़रूर उसकी मदद करेगा, ये कौन कह सकता है? वही ज़ात कह सकती है जो सारे कायनात का खालिक व मालिक व कादिर व मुक्तदिर है। अल्लाह ताला फरमाता है इस वजह से कि अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है, इतनी अजीम कुदरत रखता है कि देखिए अब रात दिखाई दे रही कैसी अजीम कुदरत, सारी दुनिया मिलकर भी इसको अगर आप यानी इसको इजाफा यानी दराज करके 11 बजे तक आज ले जाएंगे रात को नहीं हो सकता। ये जो दिन जो गुजरा है हम आज रात के 11 बजे तक दिन कर लेंगे तो नहीं हो सकता। अल्लाह की अजीम कुदरत और सल्तनत को देखिए कि किस तरह रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है, कभी तो रातों को छोटा कर देता है, दिन को बढ़ा देता है, कभी दिन को छोटा कर देता है, रात को बढ़ा देता है। इसकी अजीम कुदरत की निशानियाँ समझने के लिए काफ़ी है, इतना अजीम कुदरत और इक्तदार वाला है। तो अल्लाह ताला उनकी मदद करने पर भी कादिर है। तो उसका इरशाद होता है कि वअन्ना अल्लाह समीउ बसीर, अल्लाह सुनने वाला है देखने वाला है। रात और दिन के साथ सुनने और देखने का जिक्र इसलिए भी है कि रात तारीकियों में जो तुम कह रहे हैं वो भी अल्लाह ताला नहीं मतलब सुन रहा है, रात की तारीख में जो आमाल कर रहे हैं नहीं वो अल्लाह ताला उसे देख रहा है, और समीउ बसीर कहकर इशारा कर रहा है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात में किसी को अपने सिफात का अल्लाह ने मजहर बनाया, इंसान है, इंसान ही को सिफात अता की, तो अल्लाह की अमानत है ये समाज जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, ये अमानत है, बसारत तुम्हें दी है अमानत है। इसी रात और दिन में इंसान सबसे ज़्यादा गुनाह किससे करता है? इसी समाज के जरिए से करता है। समाज का मतलब सुनने के जरिए से, ये जो सुनने का जो आला है, बसारत का मतलब आँखों का आला है। तो तुम रात की तनहाइयों में जो तुम अपनी आँखों से जो गुनाह करते हो, रात की तनहाइयों में जो कानों से गुनाह करते हो, और आज यानी ये बिल्कुल ये आयत करीमा को सामने रखने की ज़रूरत है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गुनाह इंसान कर रहा है टीवी की सूरत में और फहश किस्म के लिटरेचर की सूरत में, फहश किस्म के यानी मतलब ये कि पिक्चर्स की सूरत में, किससे ज़्यादा गुनाह हो रहा है? गुनाह हो रहा है आँख से हो रहा है या कान से हो रहा है? तो ये नोट ये जहन नशीन कर लीजिए, जो अल्लाह रात को दिन में, दिन को रात में दाखिल कर रहा है, रात की तारीखियों में, दिन की तनहाइयों में, अल्लाह ताला तुम्हारी कैफियत को जानता है। तुम अपनी समा जो अल्लाह ने तुम्हें समात जो अमानत अता की है, जो अल्लाह ने तुम्हें बसारत अता की है, उसकी तुम हिफाजत करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी हर हरकत को जानता है। ज़ालिक बिअन्नल्लाहुल हक़ु, ये याद रखो कि अल्लाह ही हक़ है, और जिसकी ये इबादत कर रहे हैं, जिसकी यानी अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं, ये सब के सब बातिल है। अल्लाह हक़ है, एक माना तो ये है कि अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, यानी उसकी सिफात पर किसी किस्म का तगय्युर नहीं आता, यानी हर किस्म के तगय्युर से पाक है, वो अजली है, वो अबदी है, उसकी कोई इब्तिदा नहीं, कोई उसकी इंतहा नहीं। तो ज़ालिक बिअन्नल्लाहुल हक़ु, ये कि जिसने भी जो अल्लाह की इबादत की यकीनन हक पर है, उसका अमल हक है, और जो यानी अल्लाह के अलावा जिसकी परस्तिश कर रहे हैं यकीन उसका बातिल होना बिल्कुल बय्यिन अम्र है। तो ज़ालिक बिअन्नल्लाहुल हक़ु, और अल्लाह ताला बातिल के बारे में क्या फरमाता है? हक़ ही बाकी रह जाएगा, बातिल ख़त्म हो जाएगा। कुल जाल हक़ु वज़हक़ अल्बातिल इन्नल बातिल कान का, बातिल को फना होना है, बातिल को मिटना है, हकी को गलबा होगा। इरशाद होता है कि ज़ालिका बिअन्नल्लाहुल हक़ु अन्नमा यदून मिन दुनिहिल बातिलु वअन्नल्लाहुल अलीयुल करीम, अलीयुल कबीर, अल्लाह अली है, अल्लाह बुलंद वाला है। अली और कबीर देखने में करीब करीब माना है, अली के माने बुलंद के हैं, कबीर के माने बड़े के हैं। अली के बारे में बताया गया कि जिस पर कोई गलबा हासिल नहीं किया जा सकता, उलू माने बुलंदी, उलू माने बुलंदी। कबीर का मतलब है कि अपने कुदरत में, अपने सल्तनत में वो अजीम वाला, अजीम है, अजमत वाला है। कबीर
और अकबर दोनों के करीब करीब माना है, एक मुबालिगा सेगा है, एक यानी सिफत मुशब्बा नहीं, एक एतबार से एक माना की ज़्यादती कभी नहीं पाई जाती है, एक माना की ज़्यादती अकबर में पाई जाती है कि अकबर में यानी अमूमन जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री यानी या कंपेरेटिव डिग्री, अरबी में कहा इसमें तफजील, तो आमतौर पर मुकाबले के लिए जो लाया जाता है अकबर लाया जाता है, वो बहुत बड़ा किसके मुकाबले में फ़लाँ से फ़लाँ बड़ा है, तो फलां के मुकाबले में बड़ा है कहा जाता है तो अकबर कहा जाता है, और फी नफसी ही जो अपनी अजमत और शान के एतबार से बड़ा है उसे कबीर कहा जाता है, कबीर एक में एक एतबार से बड़ा ही है तो अकबर में एक एतबार से बड़ा ही है, लेकिन नमाज के अंदर रज़ा के अंदर कभी अल्लाह कबीर के बजाय अल्लाह अकबर क्यों मुकर्रर किया गया, इसलिए मुकर्रर किया गया इंसान कहता है कि भाई मेरे कारोबार ज़िंदगी ज़रूरी है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी बीवी है, यही नहीं बल्कि मेरे अपने मेरे ऊपर और दूसरों के भी यानी मतलब है कि उनके नान नफ़े के मुझ पर भी मेरी बहन फ़लाँ फ़लाँ इतने के कारोबार है, इतने लोगों की चीज़ है, इसलिए कारोबार ज़िंदगी बहुत कबीर है, ज़रूरी है, कबीर मन अहम है, कबीर है, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये कबीर तो है लेकिन सुन ले बंदे अकबर इससे बढ़कर अकबर ये है, यानी तुझे ये तो इससे कोई रोका नहीं गया, इससे रोका नहीं गया तुझे ज़िंदगी के कारोबार तो तुझे मना नहीं किया गया, इसके हलाल का हासिल करना भी फ़र्ज़ है, लेकिन याद रखना यही कबीर ये जिसको तू कबीर कह रहा है अकबर है, मेरी ऑफिस और मेरे कारोबार मेरी दुकान और मेरे दूसरे मसरूफियात जो जायज़ मसरूफियात नाजायज़ तो नाजायज़ है, जायज़ मसरूफियात के बारे में इंसान कह ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है, यही कहता है कि यानी यही अहम है, याद रखना ये यकीनन यानी हो सकता है तेरे पास अहम है लेकिन बंदे याद रख लो, याद रखना इस अहम से बढ़कर सबसे बढ़कर अहम है तो अल्लाह अकबर अल्लाह की बारगाह में झुकना सबसे बड़ा अहम है, अल्लाह की इबादत सबसे बड़ी अहम है, इसलिए वहां नमाज के अंदर क्या मुकर्रर किया गया यानी नमाज के लिए जो निदा की जाए अल्लाह अकबर, यकीनन जो जिसको तुम कबीर समझ रहे हैं याद रखना ये कबीर से बढ़कर एक अकबर है वह है ये अल्लाह ताला की इबादत, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि अलम तारा उसके अल्लाह की कुदरत की एक अदीम निशानी जिसको तुम अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, अलम तरा अल्लाह अंजल मिन समा फतुसबिल अर्ज मगज़र्रा और ज़मीन सरसब्ज़ शादाब हो गई, कितनी बड़ी निशानी है जो ज़मीन खुश्क थी यानी जैसे गर्मा में आप देखेंगे हर तरफ खुश्की तारी है लेकिन वही ज़मीन जब बारिशें बरसती है तो कैसी सरसब्ज़ लहलानी वाली हो जाती है, कितनी अदीम अल्लाह ताला की कुदरत की अदीम निशानी है, गौर व फिक्र कीजिए, तो अल्लाह यहाँ पर अलबत्ता अदबी एतबार से बताया गया अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, अंजला अंजला के माने ये अरबी ज़बान में मादी पास्ट टेंस उतारा, तो ज़मीन फतुस्ब अल्लाह ने आसमान से ज़मीन पानी उतारा तो ज़मीन सरसब्ज शादाब हो गई, आमतौर पर कहा जाता है जो आर्डर होता है पास्ट टेंस एक ही जुमले में, लेकिन यहाँ वो आर्डर नहीं है क्यों एक अजीम नुक्ते की तरफ इशारा करने के लिए, अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा ज़मीन सरसब्ज शादाब हो गई नहीं फरमाया, फाज़बहत माने हो गई इसे बिकेम फतुस्ब होती है नहीं हो गई नहीं होती है, क्यों पानी तो एक मरतबा नाज़िल लेकिन उसके असरात कई दिन तक जारी रहे, इसलिए तस्बीह यानी जब अरबी ज़बान हाल प्रेजेंट लाया जाता है तो उसमें तजद्दुद का मतलब है कि तसलसल जारी रहता है यानी मतलब एक वक्त नहीं बल्कि उसके असरात मुसलसल जारी रहते हैं, पानी तो एक दो मरतबा नाज़िल हुआ लेकिन उसके असरात ज़मीन पर कई दिन तक जारी रहे, बताने के लिए अल्लाह ताला फरमाता है फतुस्बिहुल अर्ज मुग़दर्रा कि ज़मीन एक यानी एक के उस पानी के नाज़िल होने के बाद बंदे मुसलसल उससे फ़ायदा उठाते जाते हैं, और अल्लाह ताला लतीफ़ है और ख़बीर है लुत्फ़ फरमाने वाला है, बारीक से बारीक जो अम्र को जो अंजाम देने के लिए जो लफ्ज़ लाया जाता है उसको लतीफ़ कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डेलिकेट कहते हैं, बिल्कुल नाजुक अम्र, तो नाजुक अम्र इंसान के लिए मुश्किल है अल्लाह के लिए कोई यानी बात नाजुक नहीं है, जिसको इंसान नाजुक समझ रहा है तो यकीनन अल्लाह ताला के लिए हर चीज़ आसान है, तो लतीफ़ का मतलब ये है कि जहाँ पर जिसको जो मुनासिब जितनी चीज़ें देनी चाहिए खुराक हो के और किसी किस्म के अता उतना ही अता फरमाता है, दरख्त को अगर मिसाल ज़मीन में जो बीज है जितना पानी मिलना चाहिए उतना ही पानी मिले तो यकीनन ये लुत्फ़ है, इसको सिफत लुत्फ से ताल्लुक है, माँ के पेट में बच्चा है उसको गिज़ा कैसी मिलनी चाहिए ये लतीफ़ ये सिफत लुत्फ का ताल्लुक है, कैसे गिज़ा अता फरमाता है, बच्चा पैदा होने के बाद क्योंकि उसकी गिज़ा दूध है इसलिए अब दांतों की जरूरत नहीं है, जब तक दूध उसकी गिज़ा रहती है दांत पैदा नहीं होती, लुत्फ़ है, अब दूध जब गिज़ा के बाद और गिज़ा जब उसकी बढ़ती है तो दूध पर उसने ये मतलब ये कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता मजीद यानी खाने की जरूरत है, अल्लाह ने दांत पैदा फरमा दिए, जिसको जो वक्त यानी जैसे जैसे जो चीज़ होनी चाहिए ये अता फरमाना ये अल्लाह ताला की सिफत लताफत से ताल्लुक लतीफ़ खबीर, और ये सारी की सारी कौन कर सकता है जो ज़ात सारे के सारे उमूर से बाखबर हो, इसलिए लतीफ़ के साथ खबीर भी है, जो ज़ात खबीर होगी वही यानी मतलब कि जिसको जिस पर जैसे लुत्फ़ फरमाना चाहिए अल्लाह ताला उसे लुत्फ़ फरमाता है कि उसका इरशाद होता है कि लहू माफ़ समावात उसी के लिए जो कुछ आसमानों में है जो कुछ ज़मीन में है,
अब रहा ये कि जब उसी क्या है आसमान और ज़मीन में है, तो जब उसका मालिक है तो वो भी जानता है कि जिसको किसको क्या दिया जाए, किसको क्या ना दिया जाए। तो चुनाचे जब वो सारे कायनात का मालिक है, आसमान और ज़मीन का मालिक है, तो अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है, तो किस पर कैसी इनायतें की जानी चाहिए अल्लाह से, यानी अल्लाह खूब जानता है। लहू माफ समावत माफ लद, उसका इरशाद होता है कि यार अल्लाह ताला ही गनी है, बेनियाज है, रहमीद लायक तारीफ़ है। अब यहाँ गनी क्यों फरमाया? गनी इसलिए, गनी का मतलब है कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बेनियाज का मतलब जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो गनी कहा जाता है। मालदार को मालदार, गनी के माने मालदार, इसलिए आमतौर पर उसे किसी की दूसरे की ज़रूरत नहीं रहती पैसे वगैरह की, वह ख़ुद अपनी ज़िंदगी गुजार ले सकते, इसलिए गनी कहा जाता है इंसान को। अब गनी अल्लाह ताला यानी मतलब कोई किसी चीज़ का वो हाजतमंद नहीं है, सब उसके हाजतमंद हैं। इसलिए कि इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, आसमान और ज़मीन की मिल्कियत उसी के लिए और गनी है। बात यह है कि इंसान के पास जो मिल्कियत होती है, जितने जितने असासे के मालिक होता है, किस लिए होता है? इंसान जैसे ज़्यादा ज़्यादा अपने घर बनाता है, इंसान ज़्यादा ज़्यादा सवारियाँ लेता है और ज़िंदगी के असबाब जमा कर, किस लिए? उससे फ़ायदा उठाने के लिए। इंसान जो जमा करता है किस लिए, दौलत किस लिए जमा करता है? फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन याद रखना कि दुनिया में जो इंसान जब मालिक होता है तो फ़ायदा उठाने के लिए, अल्लाह ताला सारे कायनात का खालिक व मालिक होकर भी उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए गनी है। ये बंदों के लिए किया, लोग जमा करते हैं बंदों के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए। अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद का वजूद किस लिए लाया, वजूद में किस लिए अल्लाह ने सारी कायनात को लाया? बंदों के फ़ायदे के लिए, इसलिए गनी है अल्लाह ताला। गनी का आसमान की उसे ज़रूरत नहीं है, ज़मीन की उसे ज़रूरत नहीं है, ये यानी ये समंदर की उसे ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी कायनात किसके लिए बनाया? अपने बंदों के लिए बनाया। अब बंदों पर ज़रूरी है कि सारी कायनात तो तुम्हारे लिए बनाई गई और तुम वो काम करो जिसके लिए तुम बनाए गए। तुम किस काम के लिए बनाए गए? अल्लाह की इबादत के लिए। अब जो ज़ात इतनी अजीम कायनात की मालिक और कादिर होते हुए भी उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी ज़ात से बढ़कर कौन लायक तारीफ़ हो सकता है? इसलिए अल्लाह गनी भी है और हमीद भी है, लायक तारीफ। तो इस तरह अल्लाह की बेशुमार सिफात और कुदरत की निशानियाँ यानी इस रुकू में दायर यानी बताई गई, जो गौर व फिक्र करने से इंसान की ईमान में पुख्तगी और अमल में उसके इखलास की कैफियत पैदा हो सकती है। आखिर में दुआ करता है अल्लाह हमें इन आयात को समझने और इसके तकाज़ों को अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमारे अमल में इखलास पैदा फरमा और हमें अपने अवामिर का पाबंद नवाज़ इतना की तौफीक अता फरमा और हमारी इबादत में खुशू खुजू इखलास अता फरमा। सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदा अलैहिस्सलाम तस्लीम की सच्ची मोहब्बत हमारे खुलूम में पैदा फरमा। सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा जज्बा विसार इस्तक़लाल हमारे नफूस में पैदा फरमा और हमें अक़्ल हलाल सिद्क मक़ाल की तौफीक अता फरमा और हमारा क़ातिया बिलख़ैर फरमा सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन والحمد لله رب العالمين।